अरे भैया ये संभाल, मैं अभी आया। ये पुलिस सावरकर जी को लेकर कहाँ जा रही है? अरे हाँ चलो देखें। हाँ साहब, साहब नगर के सब लोग इसी तरफ आ रहे हैं, बहुत भीड़ है, उनमें विनायक सावरकर जी भी हैं। आप सब भी तात्या राव के साथ आ गए, बहुत अच्छा हुआ। मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। 27 साल की कैद के बाद सरकार ने सावरकर जी की रिहाई का आदेश भेजा है। तात्या राव जी की जय! तात्या राव जी की जय! अब ये कहीं भी जा सकते हैं और राजनीति में भी भाग ले सकते हैं। तात्या राव जी की जय! तात्या राव जी की जय! तात्या राव जी की जय! आज 10 मई 1937 का दिन है। आज ही के दिन 10 मई 1857 में स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध आरंभ हुआ था। आज से मेरा एक नया युद्ध आरंभ होगा। अब इस लहर को कोई नहीं रोक सकता। भारत के युवकों आगे बढ़ो, हथियार उठाओ और भारत माँ के पांव में पड़ी हुई बेड़ियों को काट दो। अब हमें यह सोचकर नहीं लड़ना कि अपने प्राण देने हैं, अब हमें जीवित रहने के लिए लड़ना है। हमें शहीद नहीं विजेता बनना है। सारे विश्व पर युद्ध के बादल छा गए हैं, हमें स्वयं अपनी सुरक्षा के उपाय करने होंगे। भारत के विद्यालयों और महाविद्यालयों में सैनिक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए और युवकों को आधुनिक अस्त्र शस्त्रों का अभ्यास करना चाहिए। अन्याय एवं हिंसा का विरोध नहीं करना ही हिंसा है। ये मत भूलिए कि शत्रु को मारने का विचार ही जब हमने मार दिया तो हमारे देश की हत्या हो गई। और मैं कहता हूं भला हम में सामर्थ्य क्यों नहीं, हम में ऐसी क्या कमी है? एक देश, एक भाषा, एक लिपि, एक इतिहास, एक अतीत, एक भविष्य, एक संस्कृति, एक पितृभूमि, एक पुण्यभूमि, इतने आत्म संबंधों से जुड़े हुए 30 करोड़ लोगों का यह देश महान राष्ट्रों में महानतम है। तात्या राव श्री सुभाष चंद्र बोस आपसे मिलने आए हैं। उन्हें अंदर ले आओ। जी अच्छा। और सुनो। जी एक बात का ध्यान रखना। जी हमारे बीच जो कुछ भी बातें हों उन्हें कोई ना सुने, तुम भी नहीं। जी नमस्कार। आइए। नमस्कार। 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 आप कैसे हैं? अच्छा हूं। आइए। आइए बैठिए। मुझे आपका आना अच्छा लगा। मैं अभी मिस्टर जिन्ना से मिलकर आ रहा हूं। विश्व युद्ध हमारे सामने है तो अंग्रेजों पर दबाव डालने के लिए मैंने फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की है, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता का सवाल बीच में आता है। इसी संबंध में मैं मिस्टर जिन्ना से मिलने गया था। पहले आप बताइए क्या लेंगे। मैं अभी मिस्टर जिन्ना के साथ चाय पीकर आ रहा हूं। आपको आश्चर्य होगा मिस्टर जिन्ना ने मुझे आपसे मिलने के लिए कहा है। अच्छा। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं किसकी तरफ से उन्हें मिलने आया हूं। मैंने कहा कांग्रेस की तरफ से। वो बोले कांग्रेस के अध्यक्ष पद से तो आप इस्तीफा दे चुके हैं। ठीक कहा उन्होंने। तो मैंने कहा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ से तो मैं बात कर ही सकता हूं। वो बोले कांग्रेस और फॉरवर्ड ब्लॉक के बीच मुझे कोई अंतर नजर नहीं आता,
मैं मुसलमानों का लीडर हूं और कोई हिंदू होने के नाते ही मुझसे बात कर सकता है। उनके विचार में हिंदुओं के लीडर आप ही हैं। उन्होंने मुझे परामर्श दिया कि मैं आपसे मिलूं। मुझे मिस्टर जिन्ना का आभार मानना होगा कि आपसे मिलने का सुअवसर दिया। आप स्वभाव से क्रांतिकारी हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कलकत्ता में आप हॉलवेल का पुतला उखाड़ने वाले हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जनता के दिल में अंग्रेजों के विरुद्ध गुस्सा जगाए रखना जरूरी है। इस आंदोलन के बहाने सरकार आपको जेल में डाल सकती है और इस समय आपका जेल में रहना देश हित में नहीं है। ठहरिए जरा। राज बिहारी बोस का पत्र है, जापान से। विचित्र बात है, आपको पत्र लिखते हैं। उनकी बातें आपको अच्छी नहीं लगी? पहले विश्व युद्ध में भी अंग्रेजों के शत्रुओं ने हमारी मदद की थी, मगर हमें सफलता नहीं मिली। इस बार, हाँ इस बार यदि हम चाहें तो सफल हो सकते हैं। और अब आपको पता चला होगा कि मैं हिंदू युवकों से सेना में भर्ती होने के लिए क्यों कहता हूं। यही क्रांति का रास्ता है। हमारे जिन युवकों को जर्मनी और इटली द्वारा बंदी बना लिया गया है, वो फिर से मातृभूमि के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ेंगे। जिन अंग्रेजों ने 100 बरस पहले हमसे हमारे शस्त्र छीन लिए थे, आज वही अंग्रेज हमें शस्त्र देने के लिए तैयार है। इसीलिए मैं इतने वर्षों से हिंदू युवकों से कहता आ रहा हूं, सेना में जाइए, बंदूक उठाइए। हाथ में बंदूकें होंगी तो वो ये भी सोच लेंगे कि अवसर आने पर बंदूक की नोक किस दिशा में मोड़नी है। आपने चिट्ठी में पढ़ लिया है कि जापान भी युद्ध में कूदने के लिए तैयार है। राज बिहारी बोस विधिवत रूप से सेना का संगठन करना चाहते हैं। इतिहास करवट ले रहा है सुभाष बाबू, हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। ब्रिटेन युद्ध में कूद चुका है, अगर एक हिंदी सेना उनके सामने खड़ी कर दी जाए तो वे स्वयं ही हिंदुस्तानियों को स्वतंत्रता देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अब हमें एक नए चक्रव्यूह का सामना करना है। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग के साथ ही सारे देश में दंगे फसाद शुरू कर दिए हैं। वे लोग अंग्रेजों और कांग्रेस वालों को डराना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान की मांग मान ली जाए, परंतु हम उनसे नहीं डरते। हम पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। ऐ मुस्लिम देशवासियों, भारत तुम्हारी जन्मभूमि है। इस देश की संस्कृति तुम्हारी संस्कृति है, तुम्हारे बाप दादा की संस्कृति है। इसके टुकड़े मत करो। अगर तुम हमारे साथ हो तो तुम्हारे साथ मिलकर, अगर तुम हमारे साथ नहीं हो तो तुम्हारे बगैर, और अगर तुम हमारा विरोध करते हो तो हम तुम्हारे विरोध को कुचलकर अपने देश को स्वतंत्र कराएंगे। यही समय है आप अल्पसंख्यकों को प्रसन्न करने की नीति का विरोध करें, उन्हें ब्लैंक चेक देने का विरोध करें, देश के विनाशकारी विभाजन का विरोध करें। नमस्कार। तुम आ गए तात्या। आप लेटे रहिए, लेटे रहिए।